2010 के बाद सबसे ज्यादा पानी यानी तारीख में इतना पानी विडोर में आया होगा तकरीबन 97,101 क्यूसेक्स पानी है उसमें। वो यहाँ हमारा मानका ड्रेन है उसमें गिर रहा है, ठीक है। अब हम मेजर आबादियों को बचाने के लिए डिफरेंट जगहों पे कट लगा रहे हैं। एक कट हमने पीछे लगाया है जहाँ पे दूसरा कट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग ये जिद कर रहे हैं कि यहाँ ना लगाया जाए। फार्म ठीक है, आबादी भी कहानी कच्चा कहानी मच्छे ने फार्म है सिर्फ पटवारी सारे मारका ऐसे ही उन्हें बचाने की तो गरीब चाहना फ्लड है उसमें हम फसलें नहीं बचा सकते, पानी बहुत ज़्यादा है। कोशिश हमारी ये है कि जितना लोगों के जानों माल का तहफ़ कर सकते हैं पानी को डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए 3-4 रास्तों में तकसीम कर दिया जाए खुले मैदानों की तरफ, ताकि वो अपना रास्ता फिर ले के दरिया में चला जाए। ये हमारा इन्हें दी ना आहली इन्हें पहले सफाई नहीं की थी नाले, हूँ भी नाले सफाई करने को घटन सब देने रह गए त्रा डी पूरे इन्हें कोई इतलाह करें रह गए इन्हें सारी हिक भी नहीं सुनी हूँ भी ना फोन तो गाल चलती रह गई करें देने हूँ देने था कि दह मारन सब। तो 2012-2010 में जो सैलाब आया था वो अभी तक लोग वैसे अपनी हालत में नहीं है, लेकिन लोगों का जो सोशल बिहेवियर है वो ये होता है कि कोई बंदा अपना घर, मैं खुद फ्लड के इलाके का रहने वाला हूँ, कोई बंदा अपना घर बार छोड़ के नहीं जाता होता। डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूँ अदनान अजम। नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी सहरीन में और यहाँ पे जो सैलाबी रेल आ रहा था यहाँ पे जो मानका कैनाल है वो काटने की कोशिश कर रही थी और यहाँ की जो रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इन्होंने क्रेनों वगैरह को रोका हुआ है कि हम यहाँ मर सकते हैं लेकिन काटने नहीं देंगे। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ठीक हो खैरियत क्या मामला है जैसे सोचा रहा है क्या मामला ये है हमारा यहाँ विडोर का हिल टॉरेंट है, ठीक है। ये 2010 के बाद सबसे ज़्यादा पानी यानी तारीख में इतना पानी विडोर में आया होगा तकरीबन 97,101 क्यूसेक्स पानी है उसमें। वो यहाँ हमारा मानका ड्रेन है उसमें गिर रहा है, ठीक है। अब हम मेजर आबादियों को बचाने के लिए डिफरेंट जगहों पे कट लगा रहे हैं। एक कट हमने पीछे लगाया है जहाँ पे दूसरा कट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग ये जिद कर रहे हैं कि यहाँ ना लगाया जाए। इनसे बातचीत चल रही है हमारी, हमारे अपने लोग क्यों कह रहे हैं कि क्यों नहीं कट लगाना चाहिए, ये इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये कहते हैं यहाँ नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं यहाँ होना चाहिए। हमारी बातचीत चल रही है, हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह ये मान जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हम ना के छोड़ेंगे इनको, कोशिश करेंगे ना। यहाँ के जो एमपी है ना उन्होंने वीडियो के जरिए उन्होंने पैगाम छोड़ा है कि जितने भी यहाँ की आवाम है वो अपने कीमती सामान नहीं बल्कि वो छोड़ दें अपनी जान बचाए। तो 2012-2010 में जो सैलाब आया था वो अभी तक लोग वैसे अपनी हालत में नहीं है, लेकिन लोगों का जो सोशल बिहेवियर है वो ये होता है कि कोई बंदा अपना घर, मैं खुद फ्लड के इलाके का रहने वाला हूँ, कोई बंदा अपना घर बार छोड़ के नहीं जाता होता। गवर्नमेंट की लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों की जानो माल का तहफ़ किया जाए। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना फ्लड है उसमें हम फसलें नहीं बचा सकते, पानी बहुत ज़्यादा है। कोशिश हमारी ये है कि जितना लोगों के जानो माल का तहफ़ कर सकते हैं पानी को डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए 3-4 रास्तों में तकसीम कर दिया जाए खुले मैदानों की तरफ, ताकि वो अपना रास्ता फिर ले के दरिया में चला जाए। ये हमारा अगर यहाँ से कट लगाते हैं पानी बस्ती में चला जाता है लोगों के वैसे ये देखें, ये हम हमारे साथ जो SDO साहब हैं वो हमारे इंजीनियर होते हैं, वो पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको पता होता है इन चीज़ों का। हमने चीज़ें सारी चेक की होती हैं, मैंने ये ड्रेन का पूरा विजिट किया है, उसके मुताबिक फैसला करते हैं हम। ऐसे नहीं कि ये पानी फॉर एग्जाम्पल इसकी कैपेसिटी अगर 2000 क्यूसेक्स है, ये तो नहीं है इसमें 2500 क्यूसेक्स डाल देंगे, इसमें पानी हम 1000 क्यूसेक डालेंगे जो आगे ले के जा सके। ये हमने सारी अपनी गेज रखी होती है, उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक करते हैं। क्या मसला है भाई? मसला है इमाक में गुडू त्रेडी पहले इतला दे चुके हैं, महकमा इरीगेशन SDO से मौजूद है, SDO से मौजूद है महकमा इरीगेशन, इन्हें दी ना आहली इन्हें पहले सफाई नहीं की थी नाले, हूँ भी नाले सफाई करने को घटन सब देने रह गए त्रेडी पूरे इन्हें कोई इतला करें रह गए इन्हें सारी हिक भी नहीं सुनी हूँ भी ना फोन तो गाल चलती रह गई करें देने हूँ देने यही था कि दह मारन सब। मेहरबानी करके इन्हें को आगो सफाई करन पुले सफाई करन सारा कुछ बाद पानी बेशक गिन मुझे आवाम सारी सब भाई भाई है। नहीं नहीं अगर कट भी लेने तो क्या क्या डर है? कट लेने नहीं था आबादी लखे हजार की आबादी है सके पहले असर 2012 वाले फ्लड से डूबे अजन तक ये ना ताकत नहीं से। बिल्कुल बिल्कुल ये हूँ भी जबरदस्ती में कई लोगों ने आखिर मनते कट
लेना पे, मगर इन घाटी का मकसद नहीं, हजारों की आबादी है, लोग लखें दी लोग आए खड़े मारते सकदन खोलन से एसडीओ एसडीओ साहब आप कोनी बजा आम कोई ने ठीक है दिन पुलिस मंगा के पुलिस है जैसा पुलिस को आके ऐसा के तुसा को तुसा जड़े ने एक पासे थी जो सारा हक है हक दी तल्फी ना करो मेहरबानी है तुम्हारी तुसा आए सारी आवाज उत्ते तक पहुंचाओ वजीर आजम तक पहुंचाओ वजीर अल तक पहुंचाओ डेरा गाजी खान दी टोटल इंतजामिया तक पहुंचाओ तुम्हारी मेहरबानी है और सारे नाल खड़ो ही था ऐसा खड़े हैं था मार वैसु ऐसा अस्सलाम इन्हें को आखो गुस्तान के पानी सारा मान सारी कॉलोनी सारी बर्बाद थी आगे एक दफा बर्बाद थी गई ही वास्ते पीछे दुख दिया दे लगे सुनदा कोनी पे सारी एडो चक्कर लाई एडो वाल खड़े एडो चक्कर लाई एडो वाल खड़े ये याद ना सही तो नहीं कटाने दे असा दी मेहरबानी करो इथो कटो उथो कि तो रास्ता अपना सारी कॉलोनी बच वंजे कितनी नफरी है कितनी तादाद निके निके कित किथा बेघर थी के वंजे मास खुशी को लेकिन मोड़ा कट करके सब बर्बाद कर दे कोनी सर एडे मोड़ा कट पानी आपको भी तो कट कर गए ना सर हाली नहीं था हाली थोड़ा समझा पे महकमा इरिगेशन बंदे को लगे करे तू है बंदे का गुंडा के मार इथो नहीं कटाने दे पानी तू सा के सफाई ए नहीं कटाने दे कॉलोनी बुड़ दी है सेम वाला बजन ना से काटो खड़े तो नहीं बर्बाद थी ये महकमा इरिगेशन वाले मरे दा खाना कल कने कडी उधर कई वद खाल दुकई वद काम ए नंबर है एसडीओ दा सिर्फ ये नंबर है मैं गेरे मारे मैं को किस करे घेनवन मैं हाफिज अब्दुल करीम दी सवारिश कराइए चौथी रात चौथी रात इरिगेशन वाले को मैं हाफिज अब्दुल करीम दी सवारिश करे मैं को कैसा पोल ते करे खड़ी है घेनवन मैं इत्था आया इन आके कटेने पे ऐसा अच्छा उन्हें दी बात सीधे नाल चलदी पे वो जड़ा महकमा ही अलावा इरिगेशन परले रात है मेरा उतवाते कल होगा मैं गुलालू लेई खड़े मकसूद पटवारी भी लेई खड़े जो आते करें देने पीसी साहब तो आते पैन मेरे अपने बंधन में मना गए इंसान कट कर गए ऐसा नुकसान साथ उम्मीद कहनी साथ उम्मीद कहनी ऐसा नहीं कपड़े ना भैया साथ उम्मीद कहनी तो केनी चीज दी उम्मीद कहनी ये जरा आखते ने नुकसान नहीं से देने ऐसा को खुद नुकसान देवण की तरह खड़े नहीं था बगावत सारे फायदे वास्ते नहीं त्रीजी दी मारे तो को रात निकाले से बच्चे सारे मोड़ ते बैठे आन भूखे खड़ो सा ही टाइम तक सारे जरे हुक्मरान ही टाइम तक सारे को पूछा करने भूखे हो तसे हो कोई चीज मिली है या नहीं मिली अवैध निगारी तो थोड़ा जा पानी गए हूं वाले करेन मगा करे बधा के देने सारे लुढ़े ने परी था कोई कुत्ते दे गुलर वसन क्या तरीका होवे इंसानियत होवे आवे सारे को पूछे ए हो जरे आदे पर लुढ़े नु वाला बधा रे नु सारे हमदर्द नहीं है सारे दुश्मन है 10000 बस्ती है पूरी हजार है लिया इतना पानी जो अंदर पे कीवे करेन कोई मशरा जो है रब दी रजा मान गिन सु बहुत पाक बहुत की रब ने बचा तक मेरी गाल सुनो मेरी गाल सुनो जितको भी मेरी गाल सुनो ना जेडी भी जगह कने कटे से ना उता बस्ती है लोग रंद एडे कहनी बस असादा से एडे कटे सो 10000 वो पास क्यों नहीं रुक नहीं उता सर उन्हें ना मच्छे ना तला है पिछले फेरा ही नहीं मैं सकवा के जरे बंदे मर गए नो कुत्ते दे गुलोरन इन्हें के सारी 5 करोड़ दी मच्छी गई है ही टाइम तक मैं मकान नहीं बना सकया सारा दी सिला थपे ना 500 रुपए किलो घ्यू है 90 रुपए किलो आटा मैं किलो घ्यू तो आटा नहीं मिल सकदा ये सारे हम दर्द का नहीं रब दी रजा मान गिन सु रब दी रजा बाकी बंदे दी निसे मने दे मार सकदू कप्पा निसे दे मेन रोड वाली खोल दी चलो सफाई 12 साल तक फ्लड को इतना घट से घट नहीं बची सके एक घट ये तो सामने घट पे क्या गुजरी है तुम्हारे अधिकारी एक वीडियो के जरिए पैगाम देते ना कि लोगों को मैं छोटे वाले को आता कि अपना अपने जान मचा के जरा तोरा माल अगर किसी नुकसान थी हुकूमत तो इमदाद करे आगे चोखा की थी ना साधु अवैध का भाग आगे चोखी की थी बंदे जो मोहन फातिह वास अवैध निगारी को वक्त तू सकू परचावन नहीं में आया तू सकू मकर जेरे बंदे मर गए हैं वो कुत्ते दे गुलोरा ने अवैध निगारी के मेरी 5 करोड़ दी मच्छी लोड़ के मगुरा जी ने दिया जान आ गए नो कुत्ते दे गुलोरा ने को मच्छी ना अरमान आज जाने इंसान दा अरमान कहनी ने को जेरे दूजी साइड है दूजी साइड पचाती साइड थी वेंदी ना उता कोई आबादी के ना कोई कहनी दे तला है मच्छा ना नुकसान बेली मेरे मच्छा ना मरन बंदे मरन मच्छा ना नुकसान ना थी वे छोटी जरीन वाले जितने भी शहरी हैं ये सुन गए ना के भाई जान आदन के ऊ साइड कने कोई आबादी कहनी सिर्फ और सिर्फ दिखा सकदू दिखा सकदू मौके ते अगर झूठे हूं सजा ही चे सु जुर्माना ही भरे सु जोल के दिखा देनु आबादी हो तले हो सी बस सेम नहीं कटाने बनाए नहीं कटाने दे थोड़ा जावे ना पे अवैध लिखारी करे न मंगा कर बंद करा दी तसे कलोनी वाले बुड्ढे न मड्या मच्छा ना बुड्ढे ए जाती चलो आगो चलते हैं इस सामने बात करें तले अब